Most welcome in this session. Today we shall discuss classification of personality or theoretical approaches of personality. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत या हमारी जो पर्सनालिटी की थ्योरीज होती हैं इनको कौन कौन से अप्रोचेस के थ्रू या कौन कौन से उपागमों के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बी एड एम एड के साथ साथ एन टी ए नेट जे आर एफ के एग्ज़ाम के लिए यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के लिए और जहाँ कहीं भी आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जो हमारी प्रीवियसली वीडियोस थी जहाँ पर हमने मीनिंग और डेफिनेशन की बात की थी या हमने बात की थी करैक्टरिस्टिक की या हमने बात की थी डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी की तो वो आपके इतने ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब हम आज इस वीडियो की बात करते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे अप्रोचेस ऑफ पर्सनालिटी या क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी जो कि आपके नेट के एग्ज़ाम में यूपी टेट के एग्ज़ाम में या जो आपके हायर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यू टाइप में। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर ठीक है व्यक्तित्व के सिद्धांतों के विषय में। तो देखो स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी व्यक्तित्व की संरचना और विकास के अगर हम स्टडी करना है हमको या अध्ययन करना है तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स के अप्रोचेस दिए हैं तो हम उन अप्रोचेस की बात करेंगे यहाँ पर। पहला हमारा अप्रोच है या पहला हमारा टाइप है क्लासिफिकेशन का तो पहला टाइप है हमारे यहाँ पर टाइप थ्योरीज जिनको हम बोलते हैं प्रकार उपागम या प्रकार सिद्धांत। देखो जो प्रकार उपागम या प्रकार सिद्धांत होते हैं या टाइप थ्योरीज होती हैं ये आपके बॉडली करेक्टरिस्टिक पर बेस्ड होती हैं ठीक है। तो यहाँ पर नाम है आपके कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिन्होंने टाइप थ्योरीज के अंतर्गत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो कौन कौन है। सबसे पहले हैं आपके हिप्पोक्रेट्स, उसके बाद आपके क्रेस्मर जिन्होंने 4 टाइप दिए हैं आपके क्रेस्मर के जो हिप्पोक्रेट्स के आपके टाइप हैं जिन्होंने दिया है ब्लड येलो बाइल फ्लेम और ब्लैक बाइल। इसके बाद में आपके जो कौन है सेकेंड आपके क्रेस्मर ठीक है। तो क्रेस्मर ने भी यहाँ पर 4 टाइप दिए हैं अपनी इनकी थ्योरी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी भी बोलते हैं ठीक है प्रकार उपागम के अंतर्गत जो कि बॉडली करेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड है या शरीर संरचना के आधार पर। इन्होंने दिया था आपका पिकनिक एस्थेनिक एथलेटिक और डिसप्लास्टिक। इसके बाद में नाम आता है सेल्डन का ठीक है सेल्डन आपके हैं जो डॉक्टर विलियम एस सेल्डन ठीक है। इन्होंने दिया है अपना एंडोमॉर्फिक मेजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक ठीक है। और इसके बाद में आपके आ जाते हैं यहाँ पर स्प्रेंगल जो कि साइकोलॉजिकल बेस पर है जुंग जिन्होंने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की बात की थी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टाइप आ जाता है ट्रेट थ्योरीज जिनको हम बोलते हैं डिस्पोजिशनल थ्योरीज या सील गुण उपागम या सील गुण सिद्धांत। ट्रेट थ्योरी आपकी जैसे टाइप थ्योरी में क्या होता है हम किसी पर्सन को देखते हैं और देखकर हम बता सकते हैं उसकी पर्सनालिटी किस टाइप की है क्यों क्योंकि वो बॉडली करेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड होता है। जब हम बात करते हैं ट्रेट थ्योरीज की सील गुण उपागम की तो इसके लिए हमको उसके साथ में इंटरेक्ट होना होगा उसके साथ में बातचीत करनी होगी क्यों क्योंकि ये आपके वो गुण होते हैं जो आपके बिहेवियर में प्रदर्शित होते हैं जो आपके बिहेवियर में अपीयर होते हैं। तो इसमें कौन कौन से नाम हैं आपके जो हमारे ट्रेट थ्योरी में आएंगे ठीक है जिनको हम डिस्पोजिशनल थ्योरी भी बोलते हैं या जिनको हम सील गुण सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर नाम आपका आता है आलपोर्ट का ठीक है। पहला नाम आपका आ जाएगा यहाँ पर आलपोर्ट का जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी है जिनकी थ्योरी को हम बोलते हैं साइकोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल आलपोर्ट्स लिस्ट ऑफ 4000 पर्सनालिटी ट्रेट्स ठीक है। इनका नाम है जी डब्ल्यू आलपोर्ट जिन्होंने बात की थी कार्डिनल प्रधान सील गुण की सेंट्रल प्राथमिक सील गुण की और आपका थर्ड आपका सेकेंडरी डिस्पोजिशंस या सेकेंडरी ट्रेट्स ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला नाम आ जाता है रेमंड कैटल का जिन्होंने दिया था 16 PF ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रेमंड कैटल की। अगला इसमें आपका आ जाता है आइजेंक का ठीक है। आइजेंक का 3 फैक्टर थ्योरी आपके यहाँ पर आ जाती है ठीक है इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन नॉर्मेलिटी वर्सेस न्यूरोटिसिज्म और साइको
क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो ये हमारे तीन आ जाएंगे ट्रेट उपागम में, ए ट्रेट अप्रोच में। थर्ड है हमारा साइको डायनामिक अप्रोच या साइको डायनामिक थ्योरी, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं मनोगत्यात्मक सिद्धांत, ठीक है। मनोगत्यात्मक सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे बहुत से साइकोलॉजिस्ट आएंगे। इसके अंतर्गत ही आपकी एक थ्योरी आती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत जगह रिपीट होती है, साइको एनालिटिकल थ्योरी या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो दिया गया है सिगमंड फ्राइड के द्वारा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं साइको डायनामिक थ्योरीज की, तो यहाँ पर पहला आपका आ जाता है नाम सिगमंड फ्राइड का। और पर्सनालिटी की स्टडी के लिए सबसे पहला, सबसे प्राचीन उपागम है सिगमंड फ्राइड का, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से आ जाएंगे, हमारे यहाँ पर आ जाएंगे सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिटिकल थ्योरी, अगला आपका आ जाएगा एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास के चरण या एरिक एरिक्सन स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगला आपका आ जाएगा यहाँ पर एडलर की थ्योरी, इसके बाद यहाँ पर आ जाती है आपकी जुंग की थ्योरी, किलेन की थ्योरी आती है, करेन हॉर्नी की थ्योरी आती है, फ्रॉम्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी आती है, सोलिबांस इंटरपर्सनल साइकोलॉजी आती है यहाँ पर, और मूरे की थ्योरी आती है। इनको भी हम आगे डिटेल में बताएंगे थोड़ा बहुत, नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट वाइज मिलेगा। अगला हमारा ह्यूमनिस्टिक या एक्सिस्टेंशियल या फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरीज, मानवतावादी सिद्धांत। इसमें हम बात करेंगे कार्ल रोजर्स की, इसमें हम बात करेंगे अब्राहम मास्लो की, इसमें हम बात करेंगे रोलो मे की, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है यहाँ पे सोशियो कॉग्निटिव थ्योरीज, जिसमें बात होगी केली की, बंडूरा की, रोटर और मिसेल की। इसके लास्ट में हमारा आ जाएगा यहाँ पर बिहेवियरल और लर्निंग थ्योरीज, यहाँ पर हम बात कर लेंगे बी एफ स्किनर की, ठीक है। बी एफ स्किनर्स बिहेवियरल एनालिसिस थ्योरी, यहाँ पर हम बात करेंगे वॉटसन्स बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लर्निंग, यहाँ पर हम बात करेंगे मिलर और डोलार्ड की। अब हमारा यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट टाइप, कौन सा टाइप थ्योरीज। देखो टाइप थ्योरीज में जब हम बात करते हैं हिप्पोक्रेट्स की टाइपोलॉजी की, जिन्होंने अपना सबसे टाइप थ्योरी में इनका ओल्डेस्ट है, ठीक है। तो जब हम हिप्पोक्रेट्स की बात करते हैं, हिप्पोक्रेट्स का जो थ्योरी है आपका, हाईलाइट कर लेते हैं इसको, हिप्पोक्रेट्स टाइपोलॉजी। देखो हिप्पोक्रेट्स ने अपनी थ्योरी को बताया है ब्लड, येलो बाइल, फिलेम और मसल्स, ठीक है, ब्लैक बाइल, ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने टेम्परामेंट इन्होंने बताए हैं, करेक्टरिस्टिक बताए, ब्लो जिसके अंदर ब्लड का ह्यूमर ज़्यादा होता है, एक्टिव होपफुल होते हैं, येलो बाइल वाले आपके क्विक टू एंगर, बहुत जल्दी गुस्से में होते हैं, फिलेम वाले आपके काम, बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, और जो आपका ब्लैक बाइल होता है ये बहुत डिप्रेस्ड, स्लो और पेसिमिस्टिक होते हैं। अगला नाम है आपका अर्नेस्ट क्रेसमर्स फोर टाइप थ्योरी, यहाँ पे आपको मालूम है कौन कौन से आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाता है आपका पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक। इन सबको अभी हम आगे की वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप थ्योरीज की बात करेंगे, उसके नेक्स्ट में हम बात करेंगे ट्रेट थ्योरीज की, उसके बाद में हम एक एक साइकोलॉजिस्ट को लेंगे, पहले सिगमंड फ्राइड को, फिर एडलर को, ठीक है। तो हमारा हो जाते हैं यहाँ पर सेकेंड कौन, क्रेसमर, जिन्होंने दिया है पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। अगला नाम आ जाता है हमारा सेल्डन का, ठीक है। इन्होंने दिए थ्री टाइप्स, कौन से हैं इनका, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ये तीनों जो आपके हैं क्रेसमर, सेल्डन, हिप्पोक्रेट्स, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो है बॉडीली करेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड है, आपके शरीर संरचना के आधार पर। अगला नाम है आपका स्प्रेंगर और जुंग, ठीक है, स्प्रेंगर और जुंग, इनका जो है, ठीक है, स्प्रेंगर और जुंग, इनका जो बेस है वो है साइकोलॉजिकल बेस। स्प्रेंगर ने क्या बताया आपका, थियोरिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और एस्थेनिक, ठीक है। थियोरिटिकल सिद्धांतवादी, इकोनॉमिक आदर्श, वो इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, एस्थेनिक का मतलब यहाँ पर हो जाता है सौंदर्यात्मक, ठीक है, एस्थेटिक होता नहीं है जो आपका एस्थेटिक ब्यूटी की हम बात करते हैं, सोशल सामाजिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, रिलीजियस धार्मिक। कार्ल जुंग का आपका इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इसके बाद में हमारा आ जाता है किसका, जी डब्ल्यू आलपोर्ट, ट्रेट थ्योरी, डिस्पोजिशनल थ्योरी,
या जिनको हम बोलते सील गुण उपागम। तो यहाँ पर बात होती आलपोर्ट की थ्योरी की, ठीक है, जी डब्ल्यू आलपोर्ट क्लासिफिकेशन। इन्होंने बताया है आलपोर्ट की जो थ्योरी है, ठीक है, आलपोर्ट ने अपनी थ्योरी में बताया है जो सील गुण होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला कार्डिनल जिनको हम बोलते प्रधान, सेकेंड आपका सेंट्रल जिनको हम बोलते प्राथमिक, थर्ड है आपका सेकेंडरी डिस्पोजिशन और जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक सील गुण। इसके बाद हम बात करते हैं आरबी कैटल की, ठीक है, कैटल का जो क्लासिफिकेशन है इन्होंने भी बताया है कॉमन ट्रेड्स के बारे में। कॉमन ट्रेड्स होते हैं, यूनिक ट्रेड्स होते हैं, सरफेस ट्रेड्स होते हैं हमारे अंदर और सोर्स ट्रेड होते हैं। इन सबको हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अगला हमारा आइजेंक का, ठीक है, आइजेंक की क्लासिफिकेशन जो है ये भी आपका ट्रेड थ्योरी में ही आता है। इसके बाद हम बात करते हैं साइकोडायनामिक थ्योरी, जिनको हम बोलते हैं मनोगत्यात्मक सिद्धांत। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है आपकी सिगमंड फ्रायड की साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, जो कि सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है पर्सनालिटी को स्टडी करने का, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बात की है किसकी, सिगमंड फ्रायड ने जो पर्सनालिटी की स्टडी के लिए सबसे पहला उपागम है आपका, सबसे फर्स्ट अप्रोच है जो दी गई है सिगमंड फ्रायड के द्वारा। इन्होंने बात की है ह्यूमन नेचर के पेसिमिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक व्यू की। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, डिटर्मिनिस्टिक मतलब निश्चयवादी, जो हमारी इमेज होती है उसके ऊपर स्टडी की है और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने पर्सनालिटी की इंटरप्रिटेशन दी है। इन्होंने बात की है किस संदर्भ में, अनकॉन्शियस माइंड को इन्होंने पर्सनालिटी का मेजर फैक्टर माना है, सेक्स और लिबिडो को माना है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस आरंभिक बाल्यावस्था के मानसिक संघर्ष को महत्वपूर्ण समझा है, ठीक है। तो ये हमारे कौन होते हैं, ये सिगमंड फ्रायड हैं जो हमारे साइको एनालिटिकल थ्योरी इन्होंने दी है। उसके बाद आपको नीचे नाम दिख रहे होंगे एडलर, ठीक है, नीचे आपको नाम दिख रहे होंगे एडलर और जुंग, ठीक है, एडलर और जुंग। एडलर्स थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं एडलर की थ्योरी को, एडलर का व्यक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत, और जुंग का आपका क्या है, जुंग का विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत या जुंग्स थ्योरी ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी, ठीक है। तो जो दोनों नाम हैं आपके एडलर और जुंग, ये सिगमंड फ्राय के बहुत क्लोज थे, उनके एसोसिएट थे, उनके साथ में वर्क किया था, लेकिन इस सिगमंड फ्रायड की बातों को एग्री नहीं करते थे, तो इन्होंने अपना अलग थ्योरी देने की कोशिश की और इन्होंने सिगमंड फ्रायड की थ्योरी को चेंज किया। तो सिगमंड फ्रायड आपके कौन है, साइको एनालिटिकल अप्रोच के हैं, और जो हमारे एडलर हैं, जुंग हैं, ठीक है, कैरेन हॉर्नी हैं, मरे हैं और एरिक फॉर्म, इनको हम बोलते हैं न्यू साइको एनालिटिकल अप्रोच के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, दो कैटेगरी थी आपकी न्यू साइको एनालिटिकल अप्रोच में, ठीक है, न्यू साइको एनालिटिकल अप्रोच में दो कैटेगरी थी। एक वो कैटेगरी जो सिगमंड फ्रायड के काफ़ी क्लोज थे, जिनके रिलेशन बहुत क्लोज थे या जो उनके एसोसिएट थे, वो थे जुंग और एडलर। इसके बाद में कौन आए, इसके बाद में सिगमंड फ्रायड से इन लोगों के पर्सनल रिलेशन नहीं थे, परंतु इन्होंने सिगमंड फ्रायड के विचारों को, उनके थॉट को रिवाइज करके उससे और ज़्यादा उन्नत बनाने की कोशिश की है। उनके नाम है कैरेन हॉर्नी, मुरे और एरिक फ्रोम, ठीक है। और यहाँ पर अंतर क्या है, आप बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा साइको एनालिटिकल और न्यू साइको एनालिटिकल अप्रोच। देखो अंतर यहाँ पर ये है, जो हमारा साइको एनालिटिकल अप्रोच है, ठीक है, जो साइको एनालिटिकल अप्रोच है, उन्होंने बात किसकी की थी, सामाजिक कारकों का प्रभाव अधिक बल दिया किसने, न्यू वालों ने। और जबकि जो हमारा सामाजिक कारकों का मतलब इन्वायरमेंटल फोर्सेस की बात की, जबकि साइको एनालिटिकल थ्योरी ने बायोलॉजिकल पर अधिक बल दिया कि बायोलॉजिकल जो फैक्टर हैं हमारे वो ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो हमारे न्यू साइको एनालिटिकल अप्रोच के साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर को रिजेक्ट नहीं किया लेकिन इनको सेकेंडरी माना। और दूसरा क्या था,
यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक इमेज पर बल डाला, आशावादी, और जो हमारी साइकोएनालिटिकल थ्योरी है वो उन्होंने बात की पेसिमिस्टिक या निराशावादी साइकोलॉजी की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को डिस्कस करेंगे हम लोग कैरेन हॉर्नी का साइको एनालिटिकल सोशल थ्योरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, हॉर्नी का मनोविश्लेषण सामाजिक सिद्धांत। अगला है आपका मरीज थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, मरे का व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत। अगला हमारा आ जाता है फ्रॉम्स। ठीक है, इसको हम एक मिनट हाईलाइट करते हैं। अगला आ जाता है हमारा फ्रॉम्स ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिसिस थ्योरी, फ्रॉम का मानवतावादी मनोविश्लेषण बाद का सिद्धांत। अगला है हमारा एरिक्सन का। ठीक है, एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास के चरण। अगला है हमारा सुलीबांस इंटरपर्सनल थ्योरी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सुलीबान का अंतर्व्यक्तिक सिद्धांत। और लास्ट है हमारा क्लेन्स ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्लेन का वस्तु संबंध सिद्धांत। यहाँ पर जिन सिद्धांतों के आप नाम देख रहे हैं, ये सिद्धांत आपने बहुत से सिद्धांत पहली बार नाम सुना होगा, लेकिन ये नेट के एग्ज़ाम के लिए या आपके जितने भी हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर आपको श्योर मिलते हैं। तो इनको हम सबको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, अगला हमारा अप्रोच आ जाता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानवतावादी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कार्ल रोजर्स का पर्सन सेंटर्ड और सेल्फ थ्योरी। कार्ल रोजर्स पर्सन सेंटर्ड और सेल्फ थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्ल रोजर्स का व्यक्ति केंद्रित या स्व सिद्धांत। यहाँ पर हम बात करेंगे अब्राहम मास्लो की नीड थ्योरी की, या अब्राहम मास्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और होलिस्टिक डायनामिक थ्योरी। ठीक है, अब्राहम मास्लो का स्व प्रत्यक्षीकरण या समग्र गतिशील सिद्धांत। अगले में हम बात करेंगे रोलोमेस एक्सटेंशियल साइकोलॉजी, रोलोमे का अस्तित्ववादी मनोविज्ञान। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। पहला नाम आपका कैलीस थ्योरी ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं कैली का व्यक्तिगत निर्माण का सिद्धांत। ठीक है, जो कि कॉग्निटिव में आपकी आती हैं, और कॉग्निटिव में आपकी कर्ट लेबिन और आपकी, ठीक है, बेंडूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। यहाँ पर हमारा सेकंड आ जाता है बेंडूरा का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है रोटर एंड मिसेल्स कॉग्निटिव सोशल लर्निंग थ्योरी, रोटर, ठीक है, एंड मिसेल का संज्ञानात्मक सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सोशल कॉग्निटिव नहीं, यहाँ पर आपका हो जाएगा लर्निंग एंड बिहेवियरल थ्योरीज। ठीक है, लर्निंग एंड बिहेवियरल थ्योरीज, यहाँ पर आपका हो जाएगा स्किनर्स बिहेवियरल एनालिसिस थ्योरी, जिसको हम बोलेंगे बी एफ स्किनर का व्यवहार विश्लेषण अधिगम सिद्धांत। अगला हमारा वॉटसन्स बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे जे बी वॉटसन का व्यवहारवाद। और अगला जो थ्योरी होगी वो होगी मिलर एंड डुलार्ड की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नाम सुने हैं थ्योरीज के। ठीक है, देखो कौन कौन से नाम सुने हैं हम लोगों ने, नाम सुने हैं यहाँ पर टाइप थ्योरीज के, ट्रेड थ्योरीज के, साइकोडायनेमिक थ्योरीज के, जो आपका बहुत बड़ा अप्रोच है, इसके अंतर्गत आपके बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की हमने बात की, सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज की बात की, और बिहेवियरल एंड लर्निंग थ्योरीज की। तो नेक्स्ट के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप अप्रोच, जिसमें हम बात करेंगे सेल्डन, क्रेसमर, हिप्पोक्रेट्स, जुंग और स्प्रेंगर की। उसके बाद में कार्टिनोबी में आपका ट्रेड थ्योरी, फिर साइकोडायनामिक थ्योरी आपकी लार्ज पोर्शन है। तो यहाँ पर हम एक एक साइकोलॉजिस्ट को लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।